आज की मांग 201, एक बहुत अच्छा विचार आ रहा है नेल्सन मंडेला जी का, जिनको हम सब एक दूसरे महात्मा गांधी के रूप में मानते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, किसी के प्रति द्वेष या क्रोध करने का मतलब है कि मैं और आप कभी कभी कोई न कोई प्रति द्वेष करने लगते हैं, या तो हम कभी कभी गुस्सा जाते हैं। उसका मतलब है कि जहर स्वयं पीना और ये मानना कि इससे वो दुश्मन मर जाएगा। विषपान मैं करूं और मरे और कोई दूसरा, ऐसा हो सकता है? इसलिए मैं जब जब क्रोध करता हूं तब मानता हूं ऐसा कि मैं उसको दिखा दूंगा, वो तो सीधा हो या न हो हम जल जाएंगे, हमारा पुण्य जल जाएगा। इसीलिए किसी के प्रति द्वेष करे या गुस्सा करे, वो जहर हम पी रहे हैं। जितना हम द्वेष करेंगे गुस्सा करेंगे तो हम तो जलेंगे ही, हमारा तो नुकसान हो ही जाएगा, क्योंकि वो जहर है। गुस्सा कोई अच्छी बात है ही नहीं, किसी के प्रति द्वेष करना वो जहर से अधिक कुछ नहीं है। तो विषपान करने वाला कभी और कोई दूसरे दुश्मन को मार सकता है? वो तो स्वयं मरेगा। इसलिए यदि दूसरे के प्रति हमको कुछ सुधार करने की भावना हो तो गुस्सा या द्वेष की जरूरत नहीं है, उससे तो मेरा ही नुकसान होगा। हाँ, हो सके तो मैं ऐसा करूँ, उसके लिए प्रभु को प्रार्थना करूँ, हो सके तो मैं उसका दिल जीतने का कुछ प्रयास करूँ। यदि होगा तो दिल जीतने से फायदा होगा, प्रभु को प्रार्थना करने से काम होगा, गुस्सा करने से द्वेष करते रहने से उसका तो नहीं बिगड़ेगा, हमारा तो अवश्य ही बिगड़ जाएगा। इसलिए जो भी द्वेष करेगा जो भी क्रोध करेगा वो स्वयं विष पी रहा है, स्वयं ही मरेगा। इसलिए हम ऐसा काम कभी ना करें। ऐसा करते समय फिर हम जो मानते हैं कि उसका बुरा होगा वो बहुत बड़ा धोखा है, ऐसे धोखे में हम कभी न रहे, ऐसा मंडेला जी का कहना है।